नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा के बाद अब विशेष कक्षा होगी। इसमें राज्य भर से 3,50,000 छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। इन छात्रों को मैट्रिक व इंटर सेंटअप परीक्षा में कम से कम अंक प्राप्त हुए हैं। पहली बार विशेष कक्षा आयोजित की जा रही है। विशेष कक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके लिए छात्रों की जिलावार सूची तैयार कर ली गई है। विभाग के अनुसार ऐसे छात्र जिन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में अपने भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रयोग किया। यहां पीएम मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे और उसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषणी से उसका तमिल में लाइव अनुवाद किया जा रहा था। इस नए प्रयोग पर पीएम मोदी ने कहा कि यह एक नया आगाज है और उम्मीद है कि इससे मेरे लिए आप लोगों तक पहुँचना आसान हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख को लेकर आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के अनिवार्य विषय की परीक्षा दिनांक 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इजरायली सरकार ने रविवार को भारत में नए राजदूत के रूप में रूबेन अजार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इजरायली विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। यह नियुक्ति उन 21 नए मिशन प्रमुखों में से एक है जिन्हें इजरायली सरकार ने जल्द ही सेवा ग्रहण करने के लिए मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एली कोहेन ने नई नियुक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि वे इजरायल और उसके नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और इजरायल देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करेंगे। बिहार वासियों को दिसंबर वाली ठंड सताने लगी है। बिहार में फिलहाल ठंड का जोर अभी चरम पर है। रविवार को राज्य के 10 शहरों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। राजधानी पटना समेत 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके बाद 24 दिसंबर से ठंड में हल्की कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वेरियंट JN.1 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को आगाह किया है। WHO ने कहा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहे हैं। ऐसे में सभी सदस्य देश अपने यहाँ मजबूत सर्विलांस रखें ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। WHO ने COVID-19 पर संगठन के टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की वजह बताई है और उन्हें रोकने के लिए क्या सावधानी रखने की जरूरत है उसकी भी जानकारी दी है। बिहार में दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 अभ्यर्थी OMR सीट की कार्बन कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर चले गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया में पहली पाली में राहुल कुमार नामक एक छात्र परीक्षा देने के बाद कार्बन कॉपी लेकर चला गया, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुनहरे दौर में है। दिनेश खारा ने कहा कि दूसरी छमाही में कृषि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। SBI चेयरमैन के अनुसार FMCG डेटा सकारात्मक रुझान दिखा रहा है और सभी सेक्टर्स में तेजी आ रही है। बिहार सरकार अब राज्य के अंदर उद्योग के विकास को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। उद्योग विभाग ने मधेपुरा, खगड़िया और गया में एक एक नया क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। इससे 269 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में इजाफा हुआ है। इस संबंध में उद्योग विशेष सचिव दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में यह पाया कि 81 करोड़ से अधिक भारतीयों की निजी जानकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डेटा बैंक से लीक हो गई है। करीब 2 महीने पहले यह जानकारी डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दी गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने दावा किया था कि उन्होंने जांच ब्यूरो और कंप्यूटराइज्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र और पाकिस्तान के आधार समकक्ष का डेटा भी चुरा लिया है। गूगल ने पिछले साल नवंबर में जीमेल ऐप में एक नया फीचर पैकेज ट्रैकिंग नाम से ऐड किया था, जो यूजर्स को उनके पार्सल को ट्रैक और डिलीवरी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ऐप को बिना खोले बताता है। अब नए अपडेट के बाद यूजर्स को डिलीवरी लेट होने पर जीमेल में टॉप पर एक मेल दिखेगा, जिसमें यह बताया होगा कि डिलीवरी कब होगी। ये मेल इनबॉक्स के टॉप पर ऑरेंज कलर के सब्जेक्ट के साथ नजर आएगी। इस फीचर की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स को प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट देखने के लिए मेल्स में नीचे नहीं जाना होगा या सर्च में अपना समय खराब नहीं करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एंटी नेशनल नैरेटिव को कोरोना वायरस की तरह बताया है। धनखड़ ने कहा कि हम में से कुछ सुनियोजित तरीके से या नासमझी की वजह से एंटी नेशनल नैरेटिव को बढ़ाने में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसका विरोध कीजिए, यह एक कोविड वायरस की तरह है जिसे बेअसर करना होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ रविवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शाहरुख खान स्टार फिल्म डंकी साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। बॉलीवुड के किंग खान इस साल पठान और फिर जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं और अब वे साल के खत्म होने पर डंकी से ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सैनकल्पिक की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक डंकी ने अपने एडवांस बुकिंग के पहले दिन 1,44,186 टिकट सेल किए हैं। इसी के साथ पहले दिन के एडवांस बुकिंग में डंकी ने देश भर में 4.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
असम राइफल्स बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल बदलाव की तैयारी में है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जा सके। इसके जवान पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों और भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने भी जारी रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने शिलोंग में असम राइफल्स महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विकी कौशल स्टार फिल्म सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को पहले दिन से ही रणबीर कपूर के एनिमल से मुकाबला करना पड़ा है। बावजूद इसके सैम बहादुर भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रही है और इस फिल्म ने कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की कमाई की बात करें तो विकी कौशल के इस वॉर ड्रामा ने पहले हफ्ते में 38.8 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे हफ्ते में सैम बहादुर ने 25.8 करोड़ की कमाई की थी। भारत के पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति संबंधित जानकारियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार अथक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने आम जनता को भारत के पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी IKS विकी नाम का एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को भी शामिल किया जाएगा ताकि वे योगदान दे सके और इसमें शामिल हो सके। अधिकारी ने कहा कि IKS विकी शुरू करने से पीछे का विस्तार सरल भाषा में जानकारी प्रदान करना है, जिसे आम लोग समझ सकें। सोने की बढ़ती कीमत के बीच आपके पास सस्ता गोल्ड खरीदने का अच्छा मौका है। सरकार सोमवार से आपको सोने में निवेश का खास मौका देने जा रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 सीरीज 3 निवेश के लिए 18-22 दिसंबर 2023 के दौरान खुली रहेगी। इसके लिए इश्यू प्राइस 6,199 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। इस स्कीम में निवेश करने पर ब्याज की कमाई भी होगी और GST भी बचेगा। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुंदरबन में BSF ने विशेष समुद्री बटालियन गठित करने तथा शक्तिशाली ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। BSF ने रणनीतिक रूप से अहम और दलदली सुंदरबन मैंग्रोव इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं घुसपैठ व तस्करी रोकने के लिए 1,100 से अधिक कर्मियों वाली समुद्री बटालियन, करीब 40 ड्रोन का एक दस्ता और 12-14 ऑल टेरेन वाहन तैनात करने की योजना बनाई है। मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम इन दिनों लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कंपनी भी समय समय पर इसमें कई शानदार फीचर्स रोल आउट करती रहती है। वहीं अब मेटा ने प्लेटफॉर्म पर रील्स में पेश किए गए टेम्पलेट फीचर को इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए भी रोल आउट कर दिया है, जिससे यूजर्स अब अपने खुद के कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर एड योर नाम से एक टेम्पलेट फीचर पेश किया है। मानवीय भावना और समावेशिता में एक सप्ताह के उत्सव के बाद पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन हो गया। जिन खेलों में 173 स्वर्ण पदक थे उनमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदकों के साथ सम्मान हासिल किया। 125 स्वर्ण सहित कुल 62 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि खेलों में स्टार पैरा एथलीटों का प्रदर्शन हुआ जो चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों की सफलता से ताजा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि IPL 2024 का ऑक्शन कौन करने वाली है। अभी तक विदेशी ऑक्शनियर IPL में खिलाड़ियों की बोली लगवाते थे, लेकिन इस बार एक भारतीय ऐसा करने जा रहा है। क्रिकबिज की रिपोर्ट की माने तो BCCI ने फ्रेंचाइजियों को सूचित किया है। एक स्वतंत्र पेशेवर नीलामीकर्ता मल्लिका सागर नीलामी का संचालन करेंगी और वह नीलामी के सभी पहलुओं के लिए एकमात्र मध्यस्थ होंगी। सोमवार से शुरू हुए नए कारोबारी हफ्ते में ही 11 IPO आने वाले हैं। इनमें सहारा मैरीटाइम लिमिटेड का IPO 18 दिसंबर को खुलकर 20 दिसंबर को बंद होगा। इसके IPO में शेयरों का प्राइस 81 रुपए है। कंपनी IPO से 6.88 करोड़ रुपए जुटाएगी। IPO में लॉट साइज 1,600 शेयरों की है, यानी आप कम से कम 1,600 शेयर कर और फिर इसी को गुना में आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में बताया कि चावल, गेहूं और मक्का कुछ ऐसी फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को लेकर रिसर्च की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि रिसर्च में मानसून पैटर्न में बदलाव और कृषि क्षेत्र पर उनके प्रभाव को देखा गया। ये विश्लेषण नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना के तहत किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए गए, जिसके साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,701 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 अकेले केरल के हैं, जहां कोविड उपसंस्करण JN.1 का सबसे पहले पता चला था, और वहीं एक मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। अब तक देश में कुल कोविड केसों के 4.5 करोड़ हैं। भोजपुरी के बेहद फेमस एक्टर बृजेश त्रिपाठी का निधन हो गया है। दिग्गज एक्टर की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। उनकी उम्र 72 साल थी। वह बृजेश त्रिपाठी के निधन की खबर से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता के निधन पर रवि किशन सहित कई सेलेब्स और फैंस ने शोक जाहिर किया है। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने SA/MT और MTS के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली Tier 1 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। IB ने प्रवेश पत्र जारी करने के साथ ही इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक को आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों को अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद इस पर दी गई अपनी डिटेल जांच लेनी चाहिए और त्रुटि होने पर तुरंत परीक्षा नियामक से संपर्क करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर डॉलर और लगातार एफपीआई इनफ्लो के कारण आज शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 82.96 पर पहुंच गया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 82.97 पर खुला। शुरुआती कारोबार में रुपया 82.95 से 83.02 के बीच ट्रेड कर रहा था। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.96 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद के मुकाबले 7 पैसे की बढ़त है। वहीं शुक्रवार को रुपया 83.03 पर बंद हुआ था। यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। देशभर के इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्ती से एंटी रैगिंग गाइडलाइंस लागू करने को कहा गया है। यूजीसी का कहना है कि रैगिंग रोकने के लिए उसने कड़े नियम बनाए हैं। देश भर के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान इन नियमों को लागू करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ यूजीसी कार्रवाई करेगा। डायरेक्ट एडवांस टैक्स कलेक्शन में बड़ा उछाल आया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 15 दिसंबर तक टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19.76% ज्यादा रहा। चालू वित्त वर्ष में 15 दिसंबर तक यह टैक्स कलेक्शन 6,24,329 करोड़ रुपए है, जो एक साल में पहले 5,21,302 करोड़ रुपए था। बता दें कि नियम के मुताबिक हर वित्त वर्ष के 15 दिसंबर तक कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल को 75% तक का एडवांस टैक्स जमा कर देना होता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9वीं में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 20 दिसंबर 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। देश में मौजूद कुल 33 सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 को किया जाएगा। क्लास 6 के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में कुल 150 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें टोटल 300 सवाल किए जाते हैं। वहीं भाषा, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स के 50-50 नंबर के 25-25 सवाल किए जाते हैं। मैथ्स से 150 नंबर के कुल 50 सवाल किए जाते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, बाबूलाल मरांडी, त्रिलोक कुमार, रेहान आलम, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षा कितना लाभकारी साबित होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।